नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में, और मेरा नाम है अभिषेक के शर्मा। आज है 29 सितंबर 2024, दिन है रविवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार, आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आज जो है वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी कि विश्व हृदय दिवस। तो आप सभी जो है अपना और अपनों के हृदय का, दिल का ध्यान रखें, ना दुखाएं, ना दुखने दें, ना तोड़ें, ना टूटने दें। तो पहले से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं, वो एक्सपर्ट बन ही गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है 77 दिन हो चुके हैं। आज 78वां दिन है, 78, और कुछ ही दिन का कोई ये और रह गया है, और इसको जो है 100 जने डेली खेल सकते हैं। इसलिए नाम है पढ़ो और जीतो, रोज 100 इनाम। क्विज खेलने के लिए जो आप सब नए आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि इस QR कोड को आपको स्कैन करना है, या फिर इस नंबर पर आप डायल करेंगे। मैसेज में एक लिंक आता है, उस पर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, टर्म कंडीशंस को एग्री करेंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे, 2 क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करेंगे और लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। जो भी हजारों लाखों जने डेली खेलते हैं, उनमें से जो भी लकीली सेलेक्ट हो जाते हैं लकी ड्रॉ सिस्टम में, उनका विजेता लिस्ट में नाम आता है एक दिन के अंतर पर। यानी कि आज के विजेता परसों आएंगे, परसों वाले आज आए हैं, कल वाले कल आएंगे, इस तरीके से। क्विज़ की टाइमिंग की बात करें तो 18 घंटे तक कोई लाइव रहता है, तो इसको आज रात्रि में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक आज रात में आप कभी भी खेल सकते हैं। परसों जो हमने क्विज़ खेला था, उसके सही जवाब हैं पहले का A, दूसरे का B, और उस दिन के विजेताओं को ईयरबड्स मिले हैं, अभी आपको नाम दिखाऊंगा। और आज जो खेल रहे हैं उनको स्मार्ट वॉच मिलेगी। हमारे चैनल से दोनों ही जीत चुके हैं, स्मार्ट वॉच जीते हैं, ईयरबड्स नहीं जीते हैं अभी। तो पहले जो हम विजेताओं के नाम देख लेते हैं ईयरबड्स के, और ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं। सबसे पहले आपको राजस्थान के विजेताओं के नाम देखने को मिलेंगे। तो आप जिस भी राज्य में आते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो को स्किप फॉरवर्ड करके देख सुन लीजिएगा, क्योंकि 100 नाम नंबर बताने में बहुत समय जाएगा आपका भी, मेरा भी। तो राजस्थान के विजेताओं के नाम हैं, उसके बाद आपको दिखेंगे गुजरात के विजेताओं के नाम, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश। आज गुजरात के विजेताओं के नाम कम आए हैं, 2 दिन से ज़्यादा आ रहे थे, ये सेकंड पार्ट ऑफ लिस्ट है। मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र के नाम आज अधिक आए। इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम कॉन्टेक्ट करेगी आज या कल में, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखें। ये रहे आज के 2 प्रश्न। पहला है कि भव्य राम दरबार को कहाँ के मूर्तिकार आकार दे रहे हैं। तो सिया राम जी की सपरिवार जय हो, आप सभी को राम राम। ए है मैसूरु, बी है जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर। दूसरा प्रश्न है, सोनप्रयाग में कितने दिन से बंद हाईवे खुला है। ए 40 दिन या बी 30 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 दिन, 30 डेज। आंसर बता दिए, अब थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में और बता देता हूँ, यदि सुनना चाहें अपनी जनरल नॉलेज अच्छी करने के लिए तो सुन सकते हैं। बाकी और कई सारे क्विजेस के बारे में भी मैं अभी बताऊँगा, तो देख लीजिएगा वीडियो के लास्ट में। तो ये सोनप्रयाग में जो हाईवे खोला है, इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ है कि 12,000 लोग जो है केदारनाथ दर्शन कर पाए हैं, वहाँ पर पहुँच पाए हैं, महादेव जी के दर्शन कर पाए हैं। ये आपको मैंने किसी को इसमें बताया था, इससे जुड़ा हुआ आया था कि चारधाम और केदारनाथ की यात्रा जो है इसके कपाट बंद होने वाले हैं, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो ये सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर ये टूट गया था, ब्रिज जो था, जो रास्ता था वो टूट गया था। उसके बाद जो अब ये मरम्मत हुई है, रिपेयर हुई है, इसके बाद जो गौरीकुंड तक है वाहन जो है अब चल सकते हैं, और शनिवार शाम तक की बात हो रही है, करीब 12,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने वहाँ पर दर्शन किए हैं, और ये 2 महीने में सबसे अधिक संख्या रही है। अब तक कुल जो है 12 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं बाबा केदारनाथ जी के, हर हर महादेव। और ये केदारनाथ का पैदल मार्ग पर जो है ना, लिंचोली के पास में, वहाँ पर 31 जुलाई को बादल फटा था, जो अपडेट रहते हैं न्यूज़ से उनको मालूम होगा। उससे जो पैदल मार्ग जो रहता है वो कई जगह टूट गया था, और वहाँ पर नदी जो है मंदाकिनी नदी, उसमें भीषण बाढ़ आई थी सोनप्रयाग के पास में, और जो 1 किलोमीटर लंबा हाईवे है वो बह गया था। सोचिए, इतनी तेज बाढ़ आई थी, उस कारण से जो है ये यात्रा रुकी हुई थी, और अब ये फिर से ठीक हो गई है।
तो अभी लगभग 40 दिन की बात हुई थी कि 40 दिन तक ये खुला है अभी मार्ग और कपाट जो है, तो 40 दिन के अंदर यदि आप जाना चाहते हैं तो दर्शन कर सकते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न की, तो ये तेज़ी से रफ्तार पकड़ ली है निर्माण कार्य ने और मुख्य शिखर जो है नवंबर से बनना शुरू होगा और पहली मंजिल पर भव्य राम दरबार की रूपरेखा तैयार है जिसको जयपुर के मूर्तिकार आकार दे रहे हैं और दिसंबर तक स्थापना हो जाएगी, फिर प्रतिष्ठा होगी। राम दरबार जो होता है ना उसमें वो पूरे अपने परिवार के साथ में होते हैं। सबसे पहले जो है आपको सीताराम जी बैठे हुए दिखाई देंगे कुर्सी पर, फिर जो है हनुमान जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये सब आपको साथ में एक साथ देखने को मिलेंगे। इसी को कहते हैं श्री राम परिवार, श्री राम दरबार। और ये प्रश्न आए कि ये मूर्ति कौन बना रहे हैं, जैसे पहले जो बनाई है मेन मूर्ति जो है श्री राघव जी की, वो लोग श्री राम बोलते हैं, वो श्री राघव, राम जी का जो 5 वर्ष का जो समय है ना, 5 वर्ष की आयु का वो जैसे दिखते थे, वो 5 वर्ष की आयु वाला रूप है जिनका नाम था उस समय श्री राघव, तो वो श्री राघव हैं और हैं राम जी के ही रूप, खैर बचपन के हैं लेकिन हैं वो श्री राघव। तो अभी जो ये मूर्ति बना रहे हैं जयपुर के मूर्तिकार हैं, नाम है इनका सत्यनारायण पांडे, इनको ये मूर्ति बनानी है और ये राजस्थान का सफ़ेद संगमरमर है उससे ये मूर्तियाँ बना रहे हैं। प्रभु श्री राम की मूर्तियाँ जो हैं वो लगभग 4.5 फीट ऊँची होगी माता जानकी और प्रभु श्री राम की, और बाकी दोनों तरफ जो है ये बैठे हुए होंगे आशीर्वाद मुद्रा में, और दोनों तरफ जो है लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी होंगे चंवर के साथ खड़ी मुद्रा में, और भरत और हनुमान जी जो हैं वो भक्ति मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देंगे जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। 2025 में ना एक बार फिर से यहाँ भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा जैसे अभी हुआ था 2024 में, और इसके साथ ही यहाँ पर सप्त ऋषि के 7 और परकोटे के 5 मंदिर भी बनेंगे, और ये सत्यनारायण पांडे जो हैं मूर्तिकार और ये अपने बेटे प्रशांत हैं उनके साथ में बना रहे हैं, और 3 मूर्तिकार जो हैं ये और वहाँ पर हैं, और ऋषि मुनि और परकोटे के देवी देवताओं के 6 मंदिरों की मूर्तियों का निर्माण और स्थापना जो है दिसंबर 2024 तक हो जाएगी, और प्राण प्रतिष्ठा जो है भव्य समारोह वो 2025 में होगा। तो ये थी बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इसको इससे जुड़े हुए, क्या पता किस जीके के किस क्वेश्चन में ये आ जाएं और ये आपकी हेल्प कर दें। और बाकी जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए जीके की। और बाकी दैनिक भास्कर वालों का एक और क्विज़ है, वीकली क्विज़ है, साप्ताहिक क्विज़ है, केवल रविवार को आता है और 7 से 12 तक लाइव रहता है, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, खेल लीजिए। 2100 रुपये का इसमें वाउचर मिलता है 10 विजेताओं को, और विजेताओं की लिस्ट भी आ गई है। बाकी एक ये क्विज़ और है दैनिक भास्कर वालों का ही है, हरियाणा वालों लोगों के लिए है केवल, और केवल ये 2 तारीख तक ही रहेगा, उसके बाद ये क्विज़ बंद हो जाएगा, तो खेल लीजिए नहीं खेला है तो। बाकी ये अमेज़ॉन KPC का क्विज़ है, इसमें 5 जने 1-1 लाख रुपए जीत सकते हैं घर बैठे, और ये सोमवार तक लाइव रहता है, सोमवार की रात तक खेल सकते हैं। ये अमेज़ॉन के क्विज़ हैं जिसमें आप कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जीत सकते हैं, कैश प्राइज जीत सकते हैं, अपनी GK भी अच्छी कर सकते हैं। ये हमारे चैनल के विजेता हैं, ये पॉलिटिकल क्विज है, इसमें ये सभी प्राइजेस मिलते हैं, जिसमें अभी गीजर रह गया था वही मिल रहा है, 2 तारीख तक यही मिलेगा, उसके बाद क्विज ये बंद हो जाएगा। ये स्मार्ट वॉच के विजेता हैं, ये वॉशिंग मशीन के, इलेक्ट्रिक केटल, ये टिफिन बॉक्स मिलता है मिल्टन का, ये ईयरबड्स मिलेंगे जो विजेताओं के आपने नाम देखे थे उनको, हनीवेल कंपनी के हैं, और ये सभी इसमें प्राइज़ मिलते हैं। 100 डेली नाम में ये हैं, 5 मंथली नाम में 2 व्हीलर और 5 वीकली नाम में ये। तो चैनल पर जितने क्विज हैं हमारे सब खेलिए, डेली खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए, अलग अलग टाइमिंग्स पर खेलिए, इससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना अपनों का दिल का ध्यान रखें, ना दुखाएं ना दुखने दें, ना टूटें ना तोड़ें, ना टूटने दें ना तोड़ें, क्योंकि आज विश्व हृदय दिवस है, तो अपना हार्ट का ध्यान रखें और योगा करें, प्राणायाम करें, सात्विक भोजन करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा, आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, नमस्ते, शुभ दिन।